खरगोन के बिरला मार्ग पर खसखसवाड़ी इलाके के एक मकान में रात को अचानक आग लग गई, जिससे पूरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर के फोर्स ने पड़ोसी मकान की दीवार गिरा दी, जिससे उसके घर का सामान भी मलबे में तब्दील हो गया और दो परिवार बेघर हो गए। हम आपको बता दें कि मजदूर रशीद अपने परिवार के साथ मैयत में बाहर गया था। इस दौरान उसके मकान में आग लग गई, जिसमें 37 मुर्गियों के साथ घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे फायर फाइटर के पानी फोर्स ने पड़ोस मकान की दीवार को गिरा दिया, जिससे उसके मकान का सामान मलबे में तब्दील हो गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रात को आग लगी थी, रशीद भाई गए हैं, वो फायर ब्रिगेड आई थी, उसमें आग बुझाने में हमारी दीवार गिर गई, उसमें टीवी, दो गोदरेज, वेल्डिंग मशीन और कटर मशीन, ये सब टूट फूट हो गई। कितना नुकसान हुआ होगा? 50,000 का। क्या नाम है तुम्हारा? सादिक। आग लगी थी 2:30 बजे रात को और हम वहाँ मौत के घर गए थे, हमारे काका का इंतकाल हो गया था, इसलिए हम वहाँ सब थे। घर के अंदर 35 मुर्गियाँ थी मेरी, सब सामान था घर का और सब पूरा इतना टोटल साइकिलें ये वो सब पूरा सामान जल के राख हो गया और खर्चा कम से कम इतना जला है कि 75,000-80,000 से कम गानी है मेरा। ऐसे लॉकडाउन लगा है, पहले लोग परेशान है, आप पे कैसी क्या बीत रही है? मेरे पे इसी बीत रही है कि मेरे को रोते भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रशीद मुंडा। आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण मैं तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो मौत के घर था। यहाँ कैसी लगी कैसी नहीं लगी मैंने तो कुछ देखा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।